हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो जो कि है सी एच ओ के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और हम इसको डिस्कस करने वाले हैं तो संविधा सी भर्ती हेतु सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश समस्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार वर्णित दस्तावेजों में से उनके आवेदन पत्र में उल्लाखित मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए प्रेषित किए गए लिंक पर अपलोड करने हैं ठीक है यहाँ पर जो भी उल्लेखित किए जा रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट आपको करने हैं एक लिंक भेजा जाएगा आपको एस एस के थ्रू उस नंबर पर जो आपने फॉर्म में फिल किया था तो उस पर आपको लिंक पर अपलोड करने हैं तथा सभी मूल दस्तावेज इनकी एक एक प्रतिलिपि स्वयं हस्ताक्षरित यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और दस्तावेज सत्यापन के समय अपने साथ अनिवार्य रूप से लेकर आना है ठीक है जब सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए तो आपको लेकर साथ में जाना है स्व हस्ताक्षरित मतलब आपको खुद के साइन करने हैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ इसमें डीप नहीं है फर्स्ट है आवेदन पत्र का प्रिंट एवं संविदा सी एच हो तो जारी एडमिट कार्ड कलर फोटो आई डी सेकेंड है यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था उसका एडमिट कार्ड का और फॉर्म का प्रिंट कलर फोटो आई डी अपलोड किए गए दस्तावेज की सूची का प्रिंट आउट एवं अंडरटेकिंग शपथ पत्र की स्वस्त्रा स्व हस्ताक्षरित दो प्रतियाँ अंडरटेकिंग क्या है मैं अभी इसके इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा उसके बाद अपलोड किए गए मूल दस्तावेज़ की आ, प्रति ठीक है तो इसके मैं आपको बताऊंगा फिर एक बार ये पी ख़त्म हो जाए लास्ट में बताऊँगा तो उसके लिए आप वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें और आवेदक को उपरोक्त सभी दस्तावेज लाना अनिवार्य है राजकीय नर्सिंग कॉलेज एंड राजकीय नर्सिंग स्कूल स्टाफ द्वारा आईडी चेक की जानी है ठीक है यहाँ पे विभाग क्या कार्यवाही करेगा तो आईडी आगे आईडी जो है आपकी चेक की जानी है यहाँ पे फिर मूल निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आवेदक द्वारा राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आवेदक द्वारा राजस्थान राज्य का स्वयं के पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा ठीक है यहाँ पे आपको आपके पिता के नाम का मूल निवास प्रमाण पत्र देना है और वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर राजस्थान होने पर एवं राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों को अनरिजर्व की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा ठीक है उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट एस टी जाति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा अपनी जाति से संबंधित राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनको अनरक्षित प्रवर्ग में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जाएगा यानी कि अगर आप ये प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उस उसका उसके बाद ओ बी सी नौकरी मिले होने का प्रमाण पत्र यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है इसमें कोई अलग से है नहीं दोस्तों बार बार नहीं पढ़ेंगे इसको उसके बाद है इधर आयोजक द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी नवीनतम एक वर्ष तक पुराना या अधिकतम तीन वर्ष तक शपथ पत्र के साथ एक वर्ष से अधिक पुराना जारी प्रस्तुत नहीं करने पर उसको अनारक्षित प्रयोग में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जाएगा यानी कि आपको क्या करना है कि एक वर्ष तक पुराना हो सकता है या अधिकतम तीन वर्ष तक पुराना होगा तीन वर्ष तक पुराना होगा तो एक वर्ष से अधिक पुराना दस्तावेज अधिक पुराना जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको अनारक्षित प्रयोग में उसके द्वारा प्राप्त अंक यानी कि आपको अगर आप तीन वर्ष से भी पुराना अपलोड कर रहे हैं तो आपको उसके साथ जो है यहाँ पे शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा या एक वर्ष तक पुराना जो है चल जाएगा ठीक है उसके बाद एम बी सर्टिफिकेट क्या है यह एम बी सी जहाँ पर एप्लीकेबल है आप वो देख में और डायरेक्टली अपन इसके बारे में देखते हैं क्या है आयोग द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी नवीनतम एक वर्ष तक पुराना या अधिकतम तीन वर्ष तक शपथ पत्र के साथ एक वर्ष से अधिक पुराना जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको अनरक्षित वर्ग में शामिल प्राप्त अंगों के आधार पर शामिल नहीं किया जाएगा ठीक है तो इसमें एक वर्ष से पुराना आपको यहाँ पर अपलोड करना है यहाँ पे भी एक वर्ष से पुराना अपलोड करना है ठीक है एक ईयर से एक ईयर हो जा हो गया होना चाहिए उसको बना हुआ उसके बाद ई के लिए भी सेम है आवेदन द्वारा आरक्षण हेतु राज्य के सक्षम प्राधिकारी पिता के नाम से जारी नवीनतम दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करने पर उसको सेम चीज़ है यहाँ पर कोई अलग से नहीं है उसके बाद टी एस सर्टिफिकेट जो भी टी एस के कैंडिडेट हैं उनको टी एस सर्टिफिकेट जो है वो देना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें आवेदक द्वारा अपने आरक्षण हेतु तो संबंधित सम सक्षम पदाधिकारी द्वारा अपने पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर टी क्षेत्र में नियुक्त का अधिकार समाप्त हो जाएगा एवं उसको नॉन टी में मानते हुए अंगों के आधार पर नॉन टी में ही शामिल किया जाएगा महिला अभ्यर्थी यदि टी क्षेत्र से सिक्के व्यक्ति से जिसके पास टी क्षेत्र का मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध हो विवाह करती है तो टी क्षेत्र का लाभ प्राप्त होगा परंतु विवाह पत्र प्रस्तुत करना होगा किंतु जाति का लाभ ऐसे ऐसी केवल राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी राजस्थान राज्य का प्रमाण पत्र देने पर ही देय होगा ठीक है तो अगर किसी ने शादी की है तो वो भी उसको भी टी में माना जाएगा सहजीय जाति प्रमाण पत्र आयात द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अनाश्रित प्रव में उसका द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जाएगा उसके बाद मेरिज सर्टिफिकेट सक्षम मेरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए और विडो सर्टिफिकेट यानी कि अनिलेड मैरिज प्रूफ ठीक है डिग्री सक्षम अधिकारी द्वारा विधवा या विच्छिन्न विवाह प्रमाण पत्र ठीक है वहाँ पर आपको ये पास होना चाहिए और आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु निर्धारित दस्तावेज विधवा हेतु प्रमाण पत्र एवं मृतक के विवाह का प्रमाण पत्र विच्छिन्न विवाह हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रस्तुत नहीं करने पर उसके मूल प्रवक् अनारक्षित प्रयोग द्वारा उसके आधार पर शामिल किया जाएगा और डिग्री मृत्यु के दिनांक आवेदन की दिनांक से पूर्व होनी चाहिए ठीक है ये देख लीजिए आप और उसके बाद एक सर्विसमैन एक्सर्विसमैन सर्विसमैन जो भी है यहाँ पर आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मूल प्रवर्ग में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर शामिल किया जाएगा ये सभी सेम लाइन लिख रखिए कुछ अलग से नहीं स्पोर्ट पर्सन के पास स्पोर्ट पर्सन का होना चाहिए डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो भी आपके पास सेम होना चाहिए यहाँ पर अलग से कुछ है नहीं इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ टेंथ बोर्ड का आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए दोस्तों और आवेदन में जन्मतिथि में अंतर होने पर बोर्ड के विनिश्चय किया जाएंगे ठीक है आवेदन में अगर आपकी जन्मतिथि चेंज है तो टेंथ बोर्ड का आपका मान्य रहेगा बी एस नर्सिंग जे जो भी आपने किया है वो सब आपके पास होना चाहिए उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी जिसके पास जो है बी कम्युनिटी हेल्थ हैं बी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो ट्रिपल सी बी पी सी सी एच एन का कोर्स है इग्नू से तो उनको डायरेक्टली जो है आ, पोस्टिंग मिल जाएगी दोस्तों सीधी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा ठीक है उसके बाद वेरिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आर और आर डॉक्यूमेंट के समय आर बी एम का रजिस्ट्रेशन का प्र, प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 26 नौ 2020 तक या उससे पूर्व की तिथि का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ठीक है 26 नौ 2020 से पहले पहले का आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट परंतु यदि रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र उक्त तिथि तो के बाद के दिनांक को जारी हुआ हो तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के साथ छब्बीस नौ दो हज़ार बीस तक या उससे पूर्व की आर एन सी आर बी एम के आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करने की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा यानी कि अगर उससे पहले का उसके बाद का है तो आपको रसीद जो है रिसिप्ट जो है वो आपको प्रस्तुत करनी होगी तथापि माननीय राज, राजस्थान ये जो केस के बारे में है आ, आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक सविता सी की दिनांक 10 ग्यारह 2020 को आयोजित परीक्षा के दिनांक तक मान्य होगा एवं रसीद के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिनांक आर एन सी एम आरबीएम का पंजीयन मान्य करना प्रस्तुत होना अनिवार्य होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रमाण पत्र का अंतिम तिथि छब्बीस नौ दो तक या उससे पूर्व की तिथि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है परंतु यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उक्त तिथि तो के बाद की दिनांक का जारी हुआ हो, हो तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के साथ छब्बीस नौ दो या उससे पूर्व की आर एन में आवेदन प्रस्तुत करना की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथापि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच की याचिका ये वापस सेम चीज़ आ गई है तो यहाँ पे 10 ग्यारह 2020 तक मान्य होगा प्रक्रिया क्या होगी संविदा सी एच ओ भर्ती के दिनांक सोलह एक दो को जारी विश्व सूची में शामिल अभ्यर्थियों को निम्न निम्न अनुसार छः स्थानों पर आठ केंद्रों पर बीस दो हजार सॉरी तीस एक दो से दस्तावेज सत्यापन प्रारंभ किया जाएगा ठीक है तीस जनवरी से यानी कि दो दिन बाद से ही जो है आवेदन जो है सत्यापन जो है शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों क्या क्या वहाँ पे जगह रहेंगी जहाँ पे सत्यापन होगा फर्स्ट है अजमेर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हॉस्पिटल कैंपस अजमेर जोधपुर में है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एम हॉस्पिटल कैंपस जोधपुर कोटा में है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एम हॉस्पिटल कैंपस कोटा उदयपुर में है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उदयपुर आर मेडिकल कॉलेज उदयपुर बीकानेर में है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज ग्राउंड बीकानेर और जयपुर में तीन जगह हैं जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जेल एन रोड एस एम एस हॉस्पिटल कैंपस जयपुर और फिर फर्स्ट है एस्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर झालना डूंगरी जयपुर और लास्ट लास्ट है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बी थर्टी नाइन सरदार पटेल मार्ग सी स्कीम जयपुर विशेष सूची में शामिल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेजों को ऑनलाइन सबमिशन हेतु तो लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा ठीक है आपको लिंक भेजा जाएगा जिससे आप ऑनलाइन सबमिट कर सकें दोस्तों अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेज एम अंडरटेकिंग तथा शपथ पत्र के लिंक के माध्यम से अपलोड तत्काल सबमिट किया जाएगा दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी अपलोडेड दस्तावेजों की सूची की सस्ताक्षर दो प्रतियाँ अंडरटेकिंग एम शपथ पत्र की दो प्रतियाँ देकर दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत रहेंगे ठीक है आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए और एक एक फोटोकॉपी के आपके पास सेल्फ एडेस्टेड होनी चाहिए थर्ड इज दस्तावेज़ प्रमाणीकरण के समय छठ क्या है दस्तावेज प्रवाणीकरण के समय सूची पर आवश्यक संशोधन के पश्चात वेरीफायर एवं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करेंगे तथा तो हस्ताक्षर एक प्रति पर वेरीफायर अपने पास रखेगा दूसरी प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे ठीक है यानी कि एक जो कॉपी रहेगी वो दो 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 कॉपी आपके पास रख होनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अपने पास रखेगा जो होगा वो एक आपको वापस लौटा दी जाएगी उसके बाद टेक्निकल सेवा प्रदाता द्वारा सॉफ्टवेयर माध्यम से कस्टमाइज चेकलिस्ट तैयार कर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कैंडिडोट को उनके द्वारा आवेदन करते समय उल्लेखित दस्तावेजों को ही प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संविदा सी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जयपुर संयुक्त निदेशक के उप निदेशक डिप्टी सी जयपुर सेकंड के नोडल अधिकारी रहेंगे कस्टमाइज चेकलिस्ट के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा बीकानेर एवं अजमेर एवं संविदा सी के अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है दस्तावेज प्रमाणीकरण के दौरान राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा सभी केंद्रों पर प्रत्येक केंद्र पाँच कंप्यूटर सिस्टम विद ऑपरेटर दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु एक हेल्प डेस्क एंड प्रिंट आउट आदि के लिए विद ऑपरेसर सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा दस्तावेज प्रमाणीकरण के समय कंप्यूटर सिस्टम पर डॉक्यूमेंट भौतिक रूप से स्थापित किए जाएंगे सत्यापित किए जाएंगे प्रमाणीकरण पश्चात सबमिटेड डॉक्यूमेंट को सेव कर फ्रेज किया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन तक अभ्यर्थियों को सबमिटेड डॉक्यूमेंट में प्रवर्तन संशोधन की सुविधा उपलब्ध रहेगी यानी कि यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक आप डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते अभ्यर्थी उपलब्ध द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मूल दस्तावेज साथ लेकर आएंगे एवं सबमिटेड डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे ठीक है साथ में लेकर नहीं है आर एन सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य है तो नोडल एजेंसी रहेगी नोडल एजेंसी की सहायता से सहायता के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रिंसिपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज स्कूल्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टेबल काउंटर काौन, पर स्टाफ मशीन विद मैन वेरीफायर एवं अन्य संसाधनों के लिए आवश्यक सहयोग नहीं है ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिव्यांग श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को अंतिम दिवस पर संबंधित शहर के मेडिकल कॉलेज में उपस्थित होना आवश्यक है ये फिजिकल हैंडीकेप्ट के लिए है और इस श्रेणी में सभी अभ्यर्थियों के लिए उस दिन के मेडिकल बोर्ड का गठन होकर हो गया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की आवश्यकता अनुसार आर द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम में सिस्टम रखी जाएगी जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण करेगी इसके लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को पृथक रूप से मेडिकल बोर्ड के गठन व सभी जाँच की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी वहाँ आप पे आपका मेडिकल जो है वो भी होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद पात्र पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से मुख्य एवं आरक्षित सूची टी एस एवं नॉन टी सूची जारी की जानी है ठीक है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल जो लिस्ट है वो जारी होगी दोस्तों तो इसलिए आपका डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट रखें और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए संयुक्त निदेशक नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी की जानी प्रस्तावित है जिसमें बताना चाहिए राज्य जी की नर्सिंग कॉलेज स्कूल एवं संयुक्त निदेशक टीम के नामित एम कार्यालय प्रशासनिक अधिकारी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं वैसे राजस्थान नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक टेबल पर नर्सिंग ट्यूटर को वेरीफाई नियुक्त किया जाएगा संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रत्येक टेबल पर एक चिकित्सा टीम या अलग अलग जो लोग हैं वहाँ पर रहेंगे और गाइडलाइंस के अनुसार अपने तीन इस कमेटी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जारी गाइडलाइंस के अनुसार पात्रता का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतिम दिवस पर आगामी तीन दिवस के विनिश्चय सॉफ्टवेयर पर अंतिम रूप पात्रता सूची अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे परंतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उसकी पात्रता निरस्त की जानी प्रस्तावित की जाती है तो इस प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी को संदर्भित किए जाएंगे अभ्यर्थियों की हेल्थ वेल सेटर पर नियुक्त हेतु पाँच जिलों की प्राथमिकता का ऑनलाइन विकल्प प्राप्त किया जाएगा ठीक है आपको कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको प्वेशन लेनी है तो पाँच डिस्ट्रिक्ट जो है आपसे पूछी जाएगी और फिर वहाँ पर आपको फिर लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी दिव्यांग अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु एक दिन निर्धारित किया जाकर सभी को एक साथ बुलाया जाएगा उसी दिन बोर्ड कर, मेडिकल बोर्ड बिठाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर का विनिश्य किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, के तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो कोई भी किराया भत्ता नहीं होगा तीगे? तीगे तीगे कुछ नहीं मिलेगा शेड्यूल के अनुसार आवश्यक रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सभी मूल दस्तावेज दिखाने आवश्यक है प्रत्येक दिवस दो शेड्यूल प्रथम पारी दस से एक तथा दो से पाँच तक रहेगी यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित दिवस पर समय पर समुचित कारणों से दस्तावेज सत्यापन हेतु तो उपस्थित नहीं हो पाता है तो विशेष परिस्थितियों में नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक संबंधित दिवस से शेड्यूल के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हेतु तो अनुमत कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो आपके पास कुछ रीजन होना चाहिए ऐसा बाकी आपको सभी को जाना ही है निर्धारित दिवस पर शेड्यूल तक भी अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को केवल विशेष परिस्थितियों में दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अंतिम दिवस के आगामी कार्य दिवस को संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा कारण का उल्लेख करते हुए अनुमति किया जा सकेगा इसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु तो किसी प्रकार का अभ्यर्थ अभ्यावर्दन या प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकेगी यदि कोई अभ्यर्थी आमंत्रित किए गए दिवस पर समय तक दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें संविधान स्वेचो रूप में उसको अपात्र मान दिया जाए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए नहीं जाएगा उसको अपात्र मान लिया जाएगा ठीक है तो जिसका एम्स में सिलेक्शन हो गया वो अगर एम्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं करवाए ऐसे रिक्वेस्ट है बाकी आप करवाना चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता है ठीक है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता ये केवल पात्रता की जांच की विनिश्चित की प्रक्रिया है ठीक है तो डॉक्यूमेंट आपको बताइए कि दो गुना लोगों को ले रखा है तो सबको तो सेलेक्ट नहीं हो सकेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक पार्ट है उसका ऐसा नहीं मानना है कि वेरिफिकेशन हो गया तो हम सी बन गए अभी नहीं बने हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल्स के प्रधानाचार्य आर एन के समन्वय कर आशिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे उक्त तो समस्त प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के साथ ही कोविड नाइन्टीन महामारी हेतु जारी दिशा निर्देश का पालन भी सुनिश्चित करें ये यहाँ पे शपथ पत्र देख लेते हैं दोस्तों मैंने कहा था आपको लास्ट में शपथ पत्र दिखाऊंगा तो ये है रख पे दस रुपये के नॉन रेजिडेंशियल फॉर्म पर प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र का प्रारूप ठीक है यहाँ पे आपका नाम निवासी घोषणा करता हूँ कि मेरे बच्चों की संख्या इतनी है और कोई बच्चा जुड़वा नहीं है एक जून दो हज़ार दो के पास कि मेरे विरुद्ध किसी भी कार्यालय का कोई अपराधी प्रकरण निलंबित नहीं है न कि ऐसे किसी प्रकरण में, में वांछित हूँ नहीं मुझे आप आपराधिक मामले में दोष सिद्ध किया गया है कि विवाहित होने की स्थिति में मेरे अथवा मेरे परिजन किसी रूप में धरना दहेज लिया है न दिया है ठीक है दहेज के लिए भी आपको लेना है डॉक्यूमेंट वो और उसके बाद अभावित होने की स्थिति में मेरे द्वारा परिजन किसी रूप से ना तो दहेज स्वीकार किया जाएगा ना दिया जाएगा यानी कि दहेज के लिए आपको पहले से वो करना है कि मैं ना दहेज लूँगा ना दहज दूंगा ऐसा नहीं सी एच ओ बन गए तो मैं ज़्यादा दहेज लूँगा ठीक है ऐसा नहीं लिखना है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नौकरी लग जाए तो ज़्यादा दहेज की मांग करते हैं पर वो सब ऑफ द रिकॉर्ड्स है और बिल्कुल भी अनऑफिशियल है तो ठीक है दहेज दहज दहेज एक कुरप्र था बंद होना चाहिए बिल्कुल भी सही नहीं है तो आपको ये पहले से जो कुमार रहे हैं अभी वो उनको सत्यापित करना है ठीक है दहेज न तो लूँगा दूँगा ठीक है नहीं ले ध्यान रखें और यहाँ पर साइन करना है ठीक है यहाँ पर मैंने इस तरह जो भी दस्तावेज जो मैं सबमिट कर रहा हूँ वो सभी सही है किसी प्रकार को इनको मैं फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा हूँ कहने का मतलब ये है फर्जीवाड़ा लिखना नहीं है ठीक है ये इसी तरह से लिखना है मैं देश 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 पुत्र पुत्री पत्नी श्री शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है इसमें कोई भी तथ्य छुपाया गया नहीं है यदि उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य पाया जाता है तो मैं इस भर्ती हेतु पत्रता समाप्त कर मेरे विद्युत नियमानुसार कार्यवाही एवं चिकित्सा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पूर्ण अधिकार रहेगा ठीक है तो वो तो रहेगा ही स अगर आप गलती करेंगे तो उनके खिलाफ उनके पास अधिकार तो है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच ग्रेट डे